नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो नज़दीकी मुकाबले में अब बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था, तो पिछले 3 साल चुनावों का लेखा जोखा क्या रहा, राजस्थान के चुनावों की मैं बात कर रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान जोर पकड़ चुका है। तमाम पार्टियाँ अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जोर आजमाइश कर रही हैं। जनता को लुभाने के तमाम तरह के वादे, घोषणाएँ, दावे, हर चीज़ जो पार्टियों से बन पा रहा है वो पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश के तहत अपनी पुरानी गलतियों से सुधार कर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस भी सीधे तरीके से चुनाव मैदान में चुनौती पेश कर रही है ताकि सत्ता उसी के पास बची रहे। अगर 2018 के चुनाव को देखें तो नज़दीकी मुकाबले की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब पहुंच कर भी दूर हो गई थी। और 5 साल पहले राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं बीजेपी को 73 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। तब के चुनाव में 39 सीटें ऐसी थी जहाँ पर हार जीत का अंतर बेहद कम रहा था। अंतिम दौर तक सभी की नज़र मतगणना पर टिकी हुई थी और इन 39 सीटों पर उम्मीदवारों को 5,000 से भी कम मतों के अंतर से जीत मिली थी, जबकि इनमें से 16 सीटें ऐसी भी रही थी जहां पर अंतर सिर्फ 2,000 से भी कम वोटों का रहा और साथ ही 9 सीटों पर यह अंतर और कम होते हुए 1,000 से भी कम का रहा। तो कड़ा मुकाबला देखने को मिला, कड़ी टक्कर देखने को मिली दोनों पार्टियों के बीच में और बीजेपी को इन 39 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर 5,000 से भी कम मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि उसे महज 17 सीटों पर इतने अंतर से जीत मिली थी। तो ऐसा माना जा सकता है कि तब के चुनाव में अब मुकाबला कांटे का रहा जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और अगर हम 1,000 से भी कम मतों के अंतर वाले चुनाव परिणाम को देखते हैं तो इन 9 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि ये भी सही है कि 3 सबसे कड़े मुकाबले बीजेपी को 2 सीटों असिन सीट 154 वोट जहां पर थे और पीलीबंगा सीट जहां पर 278 वोट थे उस पर बीजेपी को जीत मिली थी, और 2013 में 26 सीटों पर कड़ा मुकाबला भी देखने को मिला था और 2008 में 66 सीटों पर उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिली थी। तो वहीं अब एक बार फिर से राजस्थान का चुनाव जो है वो दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।